अस्सलाम नाज़रीन, व्यापारी भी इंडिया न्यूज़ चैनल में आप सभी का इस्तकबाल डालते हैं। नज़र खसूस रिपोर्ट की जाने मेगा शॉपिंग कार्निवल एंड एंटरटेनमेंट स्पॉट। डिप्टी स्पीकर टी पद्माराव पहुँचे मेगा शॉपिंग एंटरटेनमेंट कार्निवल, जहां उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए यहां की तफसीलात बताई है। नेकलेस रोड पीपल्स प्लाजा पर वाक़ ये कार्निवल स्पॉट जो 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक रहेगा, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। यहाँ के कई स्टॉल्स लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने भी इस बारे में तफसीलात बताई है। नए साल के मौके पर लोग शॉपिंग के साथ लुत्फानंदोज़ भी हो सकते हैं इस तरह के कार्निवल्स के जरिए। तफसीली रिपोर्ट मोहम्मद आसिफ की व्यापारी न्यूज़ से। इसी तरह के मालूम के लिए व्यापारी भी न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जजाकल्ला। क्या स्टाल पूरा अरेंजमेंट मैच करा सर। गुजरे 3-4 दिन से जो है मुझे वो हमारा बच्चा नवीन बोल के शायद ये लीज होल्डर से शायद एग्जीबिशन का लेके सास वालों को किराए पे दिए। ये क्या है, इन्होंने लगा दे के नुकसान में जाके ये करे तो जो है इनकरेजमेंट नहीं रहता। हैदराबाद ये पब्लिक जो है हर एग्जीबिशन हम तो कुछ भी अपने पास वो नामपाली में एग्जीबिशन भी गिरता रहता, वो बहुत बड़ा एग्जीबिशन है। ऐसे चीज़ों को अपन विजिट करके कुछ भी शॉपिंग वीपिंग कर लेके जाते रहे तो उनको इनकरेज कर ऐसा रहता है। उसके हर हैदराबाद के पीपल्स को जो है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे एग्जीबिशन लगाए तो उनको जो है अपन डेवलप होने के चांसेस देना, वो अपना फ़र्ज बनता है अपना। हैदराबाद के चुरके या लखनऊ के कोई स्टाल बोल के एक दो देखा मैं वहाँ, और बाहर से लोग आके उन्होंने अच्छी खुशी से जो है यहाँ से जाना कि हैदराबाद में एक हम एग्जीबिशन डाले तो कुछ सेल्स वगैरह हुआ, एक 4 पैसे कमा लेके यहाँ से लखनऊ जा रहे बोल के रहना, पैसा मैसेज देना बोल तो सारे हैदराबादी से पूरे जो है एग्जीबिशन विजिट करना, कुछ सेल्स वेल्स करके उनके अपने ब्लेसिंग जो है उनके पर रखे तो इन और किधर भी जो है और आगे चल के नेक्स्ट ईयर या आने वाले और 1-2 साल के बाद फिर लगा के जो है उनका कारोबारी कर सकते हैं और नए नए आइटम जो है इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। साहब आप हमेशा बिजी रहते हैं। 3 दिन से मेरे पीछे पड़ा मेरा बच्चा एक नवीन बोल के, इसमें शायद इनके साथ पार्टनर होगा, वो 3 दिन से पीछे पड़ा मेरे से आना, एक राउंड बोल तो आज मेरे पंजागुट्टा में एक होटल इनाग्रेशन था, मेरे एक बड़ा होटल इनाग्रेशन था तो होटल इनाग्रेशन करके नवीन चल तुम्हारे एग्जीबिशन को भी ऐसे रास्ते में पड़ता ना
विजिट करते हुए चलाया तो बोल के बोला शायद यहीं पर होगा नवीन, वो खरीद रहा कि मेरे लिए पैसे दे के भिजाया हूँ, फ्री में नहीं, पुकट में नहीं। मैं पुकट में किसी का आधी चाय के सिवा दूसरा नहीं लेता हूँ, चाय पीता हूँ मैं खाली फ्री का। मैं पूरे ये साल जो है कोरोना से दो साल गए अपने, अभी तक भी जो हैदराबाद के पब्लिक के अंदर या इंडिया के पब्लिक के अंदर, अभी अभी सुधरने का टाइम जब आ रहा तो फिर बीच में एक अफवाह उड़ रही कि फिर कोरोना आने के चांसेस रहते हुए बोल के, अब ऐसे लोगों के कमरें टूट जाती, फिर यहाँ रोज हज़ार जने आने का सौ जने आते। अभी के जो है थोड़े होटल वाले पूरे रोना बाकी है, फिर इसका मतलब बिजनेस थोड़े ठंडे पड़ गए अभी तो। आइंदा नहीं होना, पब्लिक भी डरना नहीं, अपने अपने जो सेफ्टी के लिए सेफ्टी थिंग्स देखते हुए ये पूरा फिर सकते, जा सकते, आ सकते, लेकिन आना ज़रूर आना और ज़रूर विजिट करना बोल रहा हूँ। अभी मास्क वगैरह लगा लेना, मैं तो फुल कोरोना भी मास्क नहीं लगाया हूँ। सीएम साहब भी बुला के एक दो बार में बोले मास्क पहन ले बोल के, नहीं सुना, उसका शिकार मैं भी बन गया। कोरोना आया मुझे भी परवाने, मालिक के मेहरबानी से फिर अच्छा हो गए, लोगों के ब्लेसिंग्स थे हमारे ऊपर, गरीब आवाम के पूरे ब्लेसिंग थे। उतना सीरियस कोरोना आए तो भी जो है सुधर गया मैं। एक मास्क बनना होता मेरे से तो नहीं होता, लेकिन मैं लोगों को बोलता हूँ अपने अपने शहर को जो है बचा लेना उनका फ़र्ज़ बनता, उन्होंने अच्छे रहते उनके घर वाले अच्छे रहते, इसीलिए अपना अपना सेफ्टी अपन देख लेना। फोर्थ एडिशन एग्जिबिशन प्रोवाइड दींला टू थ्री डेस नीचे नाता सर विजिट इधी एमी पक् हईदराबाद एग्जिबिशन अर्थम का कंफ्यूज़ टू थ्री डेस रे ఈరోజు సరే నాకు ఇంకా ఇక్కడ పంజగుట్ట అక్కడ అంత ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో భాగంగా ఇది కూడా పెట్టుకున్నాం. ఇక్కడ చూస్తుంటే తినడానికే కానీ ఆర్గానిక్ ఫుడ్సే కానీ ఇంకా ఈ మసాలాలు అవి ఇవి అని చెప్పి చాలా స్టాళ్ళల్లో నేను అడిగిన వాళ్ళను, బహుశా రెండు మూడు స్టాళ్ళల్లో మేము కూడా ఏదో పర్చేస్ చేసినట్టు జ్ఞాపకం ఉంది నాకు. అక్కడ డబ్బులు ఇచ్చేసి ఫ్రీగా కాదు చేసినాము, ఇది బాగా ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇటువంటి స్టాల్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఇల్లు పెట్టినందుకు పబ్లిక్ అంత ప్రజలంతా కూడా దీన్ని ఆదరించి ఈ ఎగ్జిబిషన్ విజిట్ చేస్తేమైతే అంటే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసినలో మైతో మనం ఏదో పెట్టేసారు వాళ్ళు స్టాల్ తీసుకొని వాళ్ళు లోపలికి అయిపోయి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినారు అంటే ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాం. అట్లా కూడా ప్రతిదీ పీపుల్స్ అంతా ఎంకరేజ్ చేయాలి, వచ్చి విజిట్ చేస్తూ ఉంటే ఆ స్టాళ్ళలో కొద్దిగా వాళ్ళకు సేల్స్ గిల్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ ఎగ్జిబిషన్ స్టాల్స్ అమ్మినందుకు వాళ్ళు కూడా నష్టపోరు, ఏదో కొద్దిపాటి అయినా లాభాలు ఉండాలి తప్ప నష్టాలు ఉండదు. అట్లే అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం, మంచి ఎగ్జిబిషన్ అంతా కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సిటీ పీపుల్స్ అంతా కూడా ఈ ఎగ్జిబిషన్ విజిట్ చేసి వాళ్ళకి పెట్టినందుకు వాళ్ళంతా పోయి ఇంకా వివరాలు గిట్ట చెప్పి ఉన్నట్టు ఈ ఎగ్జిబిషన్ బాగా నడుస్తుంది. అవి నడవడానికి మనం కూడా దోహదపడాలి, వాళ్ళని ఎన్కరేజ్ చేయాలి. ఇటువంటి ఎగ్జిబిషన్ ఇప్పుడే కాదు ఇంకా ముందు ముందు కూడా రావాలి. ప్రజలకంతా కూడా కొన్ని ఇక్కడ అందుబాటులో ఉండే వస్తువులు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి, అవి కూడా తీసుకొని వాళ్ళని ఎన్కరేజ్ చేస్తే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు, మనకు కూడా కొద్దిగా టైం పాస్ అయితే ఎటువంటి విజిట్. ఇప్పుడు నేను ఎమ్మెల్యేను, నాకు టైట్ షెడ్యూల్ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఎమ్మడ పడి చేసినా సరే ఒక పది నిమిషాలు ఒక రౌండ్ కొట్టి వెళ్ళిపోతాను, ఇప్పుడు గంట అవుతుంది. అట్లనే అందరూ కూడా విజిట్ చేసి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలని చెప్పి పీపుల్స్ అంతా కొడతా ఉన్నాను.